वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार ये वीडियो इतनी ज़्यादा मैं लेट पोस्ट कर रहा हूँ और ये फ़ोन तो यार 2 दिन पहले लॉन्च हो चुका है। क्योंकि यार ये फ़ोन मुझे अभी भी रिसीव हुआ है, तो अभी वीडियो बनानी पड़ रही है। आई प्रॉमिस अगली बार से वीडियो बिल्कुल टाइम पर आएगी और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्शाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको कम प्राइस पे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आपको बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये एक डेटा केबल आपको देखने को मिलती है जो कि टाइप सी है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। और दूसरे में आपको एक जो है चार्जर देखने को मिलता है, जो कि एक फास्ट चार्जर है, यानी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे में आपके फ़ोन को फुली चार्ज कर देगा। ये है कुछ पेपर वर्क और पिन इजेक्टर टूल। इस फ़ोन की बैक की बात करो तो यार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है देखने में। देखो जरा क्वाड कैमरा कितने सुंदर लग रहा देखने में, और ये बैक का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको जो है अलग अलग कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लेज़र ग्रीन हो गया, लेज़र ब्लू हो गया, लेज़र ग्रे हो गया। तो तीनों ही जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर्सनली ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और इसमें जो है आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं। कैमरा की स्पेसिफिकेशन मैं भी आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इसके बैक की मटेरियल क्वालिटी की। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक का यूज़ किया गया है फ़ोन को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए। अगर यार मेटल का यूज़ करते तो और ज़्यादा भारी हो जाता। इस फ़ोन को बूट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन की लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्वाड कैमरा का यूज़ किया गया है, तो सबसे पहले 64 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा है, सेकेंड वाला 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और तीसरा वाला 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, और चौथा 5 मेगापिक्सल का ही एक मैक्रो कैमरा है। तो यानी यार बहुत ही अच्छे और क्वालिटी लेंसेज यहाँ पे दिए गए हैं प्राइस के हिसाब से। इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगा। फ़ोन के साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन लगती है मुझे पर्सनली। वैसे फ़ोन के बैक में भी सही है और ये साइड में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, एप्पल की तरह नहीं कि पहले जैसे अपने फ़ोन के फ्रंट में लगाता था। फ़ोन के अपर वाले साइड में आपको सिम वगैरह का स्लॉट मिल जाता है, तो यहाँ पर आप सिम और अपना मेमोरी कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि अपनी मेमोरी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। फ़ोन के नीचे बॉटम में आपको जो है टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन जैक मिल जाता है। हमेशा की तरह सैमसंग के डिस्प्ले के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्रिस्प होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। 6.7 इंच का इसमें डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो कि 1080p/24000 पिक्सल को सपोर्ट करता है। इसके एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 है, और इसमें जो है पिक्सल डेंसिटी 393 PPI की यूज़ करी गई है। फ़ोन का रिफ्रेश रेट थोड़ा अच्छा नहीं है, 60Hz ही है, तो यार मैं तो यही चाहता था कि थोड़ा 90Hz का हो जाता तो थोड़ा सही होता, बट कोई बात नहीं यार, अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है तो हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में। इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में भी थोड़ा जान लो। इस बार सैमसंग ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी, सबसे तगड़ा प्रोसेसर आपको दिया है छाट के। सैमसंग ने अपना खुद का एक्जीनोस का 9825 प्रोसेसर दिया है, यानी कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, गेमिंग वीडियोस बनाते हो, तो आप जो है बिल्कुल लैग फ्री गेमिंग कर सकते हो, साथ में स्ट्रीम भी कर सकते हो, ये प्रोसेसर उसके कैपेबल है। तो भाई कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोसेसर देखना बहुत ही खुशी होती है। अब क्योंकि आप सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, तो मैंने भी सोचा कि एक गिफ्ट तो आप लोगों के लिए बनता है, इसलिए मैं इस फ़ोन का गिव अवे कर रहा हूँ, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, और आपको वीडियो को शेयर करना है। इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गाइस यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस यही बोलूँगा। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।